गाइस आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फुल बॉडी वर्कआउट विद टॉवल। जी हाँ, आपके घर पे रखा हुआ टॉवल आपके पूरे शरीर की चर्बी को मोम की तरह पिघला सकता है, आपकी बॉडी को टोन कर सकता है। गिनते जाते हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट देगा। सबसे पहले अगर आपका शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसका फैट रिड्यूस होगा, नेक का फैट रिड्यूस होगा, आपका आर्म्स अगर बहुत ज़्यादा बल्जेस हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर आपका ब्रा फैट बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर टमी या फिर लेग्स, ये सब पे वर्क करने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप जो कहते हैं ना कि मेरे पास इतना पैसे नहीं है, मैं बैंड खरीदूँ, एक्चुअल बात ये भी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो घर पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आपको जिम के कोई भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रखी चीज़ों का इस्तेमाल करें और बस अपने वेट को मैनेज करें। तो चलिए, आपको भी बस इतना सा स्पेस चाहिए जितना स्पेस आप मेरे पास देख रहे हैं, ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, जो बेल आइकन होती है ना उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ तो आपके पास टन टन घंटी बज जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल दी बेस्ट। फटाफट से, आलस नहीं करना, एक्टिव रहना है और हमें वर्कआउट करना है। इसके लिए आपको टॉवल लेना है, इतने साइज का आप टॉवल ले लीजिए। सबसे पहले हम आर्म्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। आपने अपने लेग्स में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, आगे लेके जाना है, देन बैक। जब बैक हम करेंगे तो अपनी पूरी मसल को हमें स्क्वीज करना है, मतलब इस पर हमें पूरे पे स्ट्रेच देना है। नॉर्मल एक तो मैंने ऐसे किया नहीं, हमें प्रॉपर इसको इस तरीके से स्क्वीज करना है। जब आप बहुत टाइटली स्क्वीज करेंगे ना अपनी बाजू को पीछे की तरफ, तो आपके यहाँ का जो फैट है उस एरिया पे इफेक्ट आएगा और वहाँ की आर्म आपकी टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको करना है 20 बार और इसके करने हैं 2 सेट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको खुद पेन होने लगेगा अपने शोल्डर में, अपनी बाजू में, जब आप इसके 2 सेट करेंगे। ध्यान रखिएगा सेट पे और रैप पे। रैप होता है यानी 20 बार करना, और सेट होता है यानी उसको 20 बार 2 बार रिपीट करना, ठीक है। यानी 40-60 टाइम्स आपको ये वाली सेम एक्सरसाइज करनी है, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने अपनी बाजुओं को ऐसे पीछे लेकर जाना है, इससे हमारा ब्रा फैट जाएगा, हमारा शोल्डर फैट जाएगा, नेक हमारा फैट रिड्यूस होगा। अप डाउन, आप बहुत जब हम नीचे लाएंगे तो पूरे फोर्स के साथ आपने पूरी मसल्स को स्ट्रेच करना है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद नीचे लेकर आना टाल को। 20 टाइम्स करेंगे, 20 टाइम्स के हम करेंगे 2 सेट्स, ओके। तो स्टार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से साइड पोज में आपको मैं दिखा रही हूँ पोजीशन, आपको पैरों के बीच में गैप मेंटेन करना है, हल्के से आपने नीज को बेंड करना है। बेंड करने के बाद ये आपके एग्जैक्टली जितना भी ब्रा फैट है उस पर ये टारगेट करेगा, उसके फैट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने अपने हाथों को ऐसे रखना है, देन अप डाउन, और पूरा स्ट्रेच से आपको ऊपर लेकर आना है, ठीक है। पूरा स्ट्रेच देना है अपनी आर्म्स पे। ये आपके सैगिंग जो ब्रेस्ट हो गई है, सैग हो गई है ब्रेस्ट, उसको भी लिफ्ट करेगा, ब्रेस्ट के फैट को भी रिड्यूस करेगा, आपके ब्रा फैट को भी रिड्यूस करेगा, और आपकी आर्म्स को भी ये टारगेट करेगा। तो 20 टाइम्स आप इसको रिपीट करें, देन इसके आपको करने हैं 2 सेट, यानी 60 टाइम्स आपको ऐसा करना है, 60 बार। आपको क्या करना है, इस तरीके से ताल को ऐसे होल्ड करना है नीचे से, आप देख रहे हो मेरे हाथ की पोजीशन, दूसरे हैंड से आपने ऐसे होल्ड करना है,
देन इसको आपको पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। जब आप अपनी बाजू को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो इससे जो आपका यहाँ का फैट है वो जाएगा, आपके यहाँ की मसल टोन होगी, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि आपके यहाँ पे टाइटनेस फील हो रही है, आपकी बाजू टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउन करना है, देन पूरा स्ट्रेच, पूरा अपनी बाजू को प्रॉपर खोलना है और इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है, ठीक है। 20 टाइम्स हमें करना है, यानी 60 टाइम्स इसको रिपीट करना है। माइंड में प्लीज रखिएगा रैप्स को। हम टारगेट करने वाले हैं अपने लव हैंडल्स को, जो हमारा साइड पार्ट होता है, ठीक है। उसको टारगेट करने के लिए आपने अपने बेली बटन को, यानी अपने पेट को बिल्कुल अंदर कोर को एंगेज करना है, सब ऐसे एकदम टक करके रखना है, ठीक है। और अपर बॉडी को हमने मूव नहीं करना, आपने पैरों के बीच में गैप रखते हुए साइड अगेन अदर साइड, ऐसा हमें 60 टाइम्स करना है। तो अगर डियर्स, अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी स्वीट हार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम करने वाले हैं अपने लेग को टारगेट, यानी स्क्वाट। स्क्वाट के लिए हम सुमो स्क्वाट करेंगे। आप मेरे पंजों की पोजीशन देखिए, यानी जो मेरे पैर हैं उनको मैंने इस तरीके से वाइड करा है, ओपन किया है। सेम ये देख लीजिए पोजीशन, ये एंगल रहेगा पैरों का। अब आपने टाल लेना है और टाल को आपने इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, देन बैक, देन डाउन, ठीक है। इसको हमने करना है 60 टाइम्स, 20 का करेंगे हम एक सेट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जब करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हिप को पीछे की तरफ करते हुए अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब हम करने वाले हैं नॉर्मल स्क्वाट, ठीक है। नॉर्मल स्क्वाट में हमें अपने घुटनों को पंजों से आगे नहीं लेके जाना होता, अपनी बैक को स्ट्रेट करना होता है, अपने हिप को बाहर करना होता है। बहुत सारे लोग अपनी बैक को आगे बेंड कर लेते हैं, जैसे कि जब आप इसके रिपीटेशन ज़्यादा करते हैं तो उससे आपको बैक इंजरी हो सकती है, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेक श्योर इसकी पोजीशन आप करेक्ट फॉलो करिएगा। कुछ टाइम में आपके घुटनों में, थाइज में बहुत पेन होगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ये, स्पेशली जो आपका पेट सैग हो जाता है ना, लटक जाता है थैली की तरह, ये उसको बहुत अच्छे से लिफ्ट करता है। आपकी हिप्स जो शेप है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी थाइज बहुत अच्छी हो जाती है इससे। तो स्क्वाट बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेग्स को आप अब ओपन कर लीजिए इतना जितना आपके शोल्डर्स होते हैं, सेम पोजीशन आप रख लीजिए। आपने पूरे घुटनों को नहीं खोलना, लॉक नहीं खोलना होता, उसको हल्का बेंड रखना होता है। आई डोंट नो कि आपको लोअर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। जब हम लॉक पूरा खोलते हैं अपनी टांगों का तो इससे हमारे जो घुटने हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं, खराब हो जाते हैं।
जब आप स्क्वाट में जाएंगे देन आपको प्रॉपर अपने आप को नहीं खोलना लेग्स को, दोबारा से आपने डाउन जाना है, अप जाना है। इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा पोजिशन को। करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज, टाल से पोचा मारना, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्पेशली आपके लोअर बेली अपर बेली के लिए। तो आप पैरों को इतना वाइड कर लीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना वाइड कर लीजिए। आपने टाल लेना है इस तरीके से ऊपर पोजिशन में, देन पूरा ऐसे घूमते हुए आगे एंड देन बैक, ठीक है। आप लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी बट एक्चुअल में घर पे पोछा मारना ना सबसे अच्छा वेट लॉस तरीका है, लेकिन आजकल कोई मारता नहीं, सबने स्टैंडिंग वाले पोछे लिए, तभी तो ये वाला चीज़ बाहर आती जा रही है हम लोगों की। तो स्टार्ट करो घर पे पोछा मारना भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला वर्कआउट। इसको हमें करना है 60 times, प्लीज़ इसमें कुछ भी आपको कम नहीं करना। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको एक दिन में कवर करनी है। मैं हर एक्सरसाइज का कम टाइमिंग ले रही हूँ, 20 times आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा रैप्स करूंगी तो। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको रैप्स और रिपीटेशन बता रही हूँ, मेक श्योर, अदरवाइज आपका वेट लॉस नहीं होगा। ओके, लेग्स को वाइड, आर्म्स को प्रॉपर ओपन, टाल एकदम हमारी बाजू तनी हुई, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो चलिए बेंड करते हैं। गुड जॉब, आप भी फॉलो करते रहिए साथ साथ, हिम्मत नहीं हारना है, प्रॉपर हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पोजीशन ले लेंगे। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच में अपने शोल्डर का जितना गैप मेंटेन कर लीजिए, और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने गैप मेंटेन कर लिया, देन अब हमें अपना लेना है फेवरेट टावल, और टाल को लेने के लिए हमें अपनी बाजुओं को ऊपर करना है, देन साइड बेंड करना है, जितना हो सके उतना आपको अपनी बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच करेंगे आपका फैट यहाँ का रिड्यूस होगा, ठीक है। आपको करना है 20 बार, यानी 20 के आपको करने हैं 2 सेट, यानी 60 times आपको करना है राइट साइड एंड 60 times भी आपको करना है लेफ्ट साइड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।